हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर और मिसेस राज। तो आज है करवा चौथ और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं हो चुकी हूँ, मतलब मैं रेडी तो नहीं हूँ बट सो के मैं उठ चुकी हूँ सर्गी के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही आपको जाजू माँ की तरफ से सर्गी वगैरह दिया जाता है और आपको पानी वगैरह जो भी पीना है वो आप पी सकते हो। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी मुझे उठाया मेरी दी ने। मैंने उन्हें बोला था कि फ़ोन करके उठा देना, वो करती हैं मेरी दीदी। तो ये फेस्टिवल जो है ना, मतलब करवा चौथ, मेरी सासू माँ नहीं करती हैं, मतलब हमारे में ये पहले नहीं होता था तो अभी सब करते हैं। तो इस वजह से मतलब मेरी दीदी करती हैं तो उनसे ही मैं सारा चीज़ पूछ के और सब कुछ करने वाली कर रही हूँ। तो मम्मी अभी मुझे फ़ोन करके, अभी मम्मी ने भी बुलाया है सर्गी के लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ सर्गी के लिए, तो सरगई के लिए सॉरी। तो अभी पूरे दिन आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहो। आपको करवा चौथ का जो भी है और क्या मैं क्या पहनने वाली हूँ, मेरा लुक कैसा होगा और कैसे क्या करेंगे, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहो। यहाँ पे मम्मी मेरे लिए नारियल का वो निकाल रही है मलाई, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो हमेशा मुझे निकाल के देती है। यहाँ पे मम्मी ने मुझे दिया नारियल पानी, एप्पल और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हमने पानी में फुला के रखे थे पहले से, क्योंकि मैं उतने सुबह में कुछ ज़्यादा हैवी सा नहीं खा सकती और हमारे में कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम फलहार ही करते हैं और कुछ हम नहीं खाते हैं। तो ये मैंने सिंपल सा और थोड़ा सा ही खाया। मैंने एक्चुअली इस बार सुबह में चाय भी नहीं पिया। तो यहाँ पे मैंने मम्मी का पैर छुआ और मुझे सर्गी में एक अच्छा सा सूट मिला है जो कि मैंने खुद पसंद किया था। मम्मी ने मुझे मार्केट ले जा के खुद खरीदवाया था। उसका ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा, शॉपिंग का क्या क्या हमने किया था, वो मैं लेट हो गई उसे थोड़ा डालने में। तो यहाँ पे सारा सुहाग का सामान वगैरह के साथ मुझे अच्छा सा सर्गी फल वगैरह के साथ मिला। यहाँ पे मैं अखरोट खा रही हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मम्मी के कहने पे मम्मी ने उसे पानी में फुला दिया था तो फिर मैंने यहाँ पे अखरोट वगैरह खाया। यहाँ पे आप देख सकते हो यही मुझे मम्मी की तरफ से मिला है सर्गी। और यहाँ पे ना दोपहर में मैं मतलब कि सो के उठी थी ये दीदी सोनम दी के रूम में, मैंने सोचा वहीं पे सो जाती हूँ, मतलब मुझे अचानक से नींद आ गया था तो मैं वहीं पे सो गई थी। तो सो के उठने के बाद मैं अपने ऊपर फ्लोर पे गई और यहाँ पे मैं मैक्स के साथ खेल रही हूँ। आप देखो तो यहाँ ना मैक्स मेरे साथ खेल रहा था और मैंने ना अपने आउटफिट का ब्लाउज और चूड़ी वगैरह पहले से ही पहन लिया था। अभी मैं होने जा रही हूँ रेडी, जैसा कि मैंने अपना आउटफिट का ब्लाउज पहन लिया है, चूड़ी वगैरह पहन लिया है, अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ तो फुल लुक आपको दिखेगा। एक्चुअली आज मतलब कि शादी का ही पहनते हैं, जिस पे आपकी शादी हुई हो वही ड्रेस पहनते हैं, फर्स्ट है करवा चौथ मेरा इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, तो मिलते हैं अपने फुल लुक के साथ। खाली आ चुकी हूँ रेडी होकर नीचे पूजा रूम में और ऑलरेडी सब कुछ हमने सेटअप कर लिया है, जो भी हमारे पूजा में जो हमें लगेगा जो भी है। और मैं मम्मी को यहाँ पे बोल रही थी कि मुझे कथा भी पढ़ना है मम्मी, तो मम्मी ना मेरे साथ ही बैठी थी। और मम्मी फास्टिंग नहीं करती क्योंकि उन्होंने ये करवा चौथ नहीं किया है, हमारे में परम्परा नहीं है बट अब न्यूली सब कोई करते हैं तो इसलिए मम्मी ने बोला तुम करो। मम्मी जो करती थी वो कोई और चौथ था बट करवा चौथ नहीं था, तो इस वजह से ना रिचुअल्स हमें कुछ अच्छे से पता नहीं है बट मेरी दी करती हैं तो दी ने मुझे किया कॉपरेट, तो उनसे पूछ पूछ के मैंने किया है। और मम्मी तो मुझे हमेशा की तरह मेरे साथ सपोर्ट करती है, हर चीज़ जो मैं बोलूँ वो कभी मना नहीं करती हैं। तो आप ये देखो वो कितना सुंदर सा थाल और छन्नी और वो लेके आई हैं, मतलब इतना प्यारा लग रहा था। मार्केट में और भी बहुत सारा था पर मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना हैप्पी करवा चौथ ऐसे लिखा हुआ है। हमने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है, हमने ये अपने नियर बाई मार्केट से ही परचेज़ किया है। और इसमें ना अभी मम्मी फल वगैरह
सिंदूर वगैरह सब रख रही हैं, तो हमने यही सोचा था कि अब ऑनलाइन करूँगी तो पता नहीं कैसा आएगा, तो हमने ना अपने मार्केट से ही ले लिया। ये आपको दिख रहा होगा चांदी का ग्लास है, ये इसमें ही पानी पीने वाली थी मैं। ये मेरे घर से मिला है तिलक में, विशाल को मिला था तिलक में मेरे घर से, तो वो सोचा कि चलो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए हमने उसे उसको लेके आए। पर वो फाइनली यूज़ हुआ नहीं, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि नहीं ग्लास से नहीं पीते हैं हम, वो जो उसमें दिया है ना वो लोटा उसमें ही पीते हैं, अच्छा लगता है, तो इस वजह से हमने उसे स्किप कर दिया। तो यहाँ पे ना मम्मी मेरा हेल्प कर रही हैं और हम ये मिठाई वगैरह सब, आपको दिख रहा होगा एक साड़ी जो कि ना मैंने अपने सासू माँ के लिए यानी अपनी मम्मी के लिए लेके आई हूँ, मतलब बहुत प्यारा लगा मुझे वो, बहुत यूनिक है साड़ी। मैं मार्केट गई थी तो मुझे सारा साड़ी देख के यही लग रहा था कि मतलब ये सब मैं पहन चुकी हूँ या ऑलरेडी ये मेरे पास है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट फिर भी ये साड़ी काफ़ी यूनिक सा लगा जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसमें ना सासू माँ को साड़ी वगैरह देते हैं, जैसे कि आप पहले भगवान जी के पास रखते हो, माता पार्वती के पास, उसके बाद वो उठा के अपनी सासू माँ को देना रहता है, इसमें सारे सिंगार के सामान। तो मैं बस यही प्रे करूँगी कि मेरी मम्मी हमेशा सदा सुहागन रहे और मैं भी हमेशा सदा सुहागन रहूँ, जो मैं हमेशा मम्मी जी को ये साड़ी गिफ्ट करते रहूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड अपने पता नहीं हाथ से क्या कर रहे थे कि वीडियो में उनका हैंड दिख रहा है, तो उन्होंने थोड़ा वीडियो शूट किया। यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ करवा चौथ का, जो कि बुक में किसी लाइक चार बहू और एक बेटे का ऐसा कुछ स्टोरी था, तो वो हमने पढ़ा। और करवा चौथ का सारा जो मतलब रिचुअल्स है वो मैंने अपने दी से पूछ के ही किया है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया मम्मी नहीं की है तो मम्मी को इसके बारे में पता नहीं है, पर मैंने एक बार बोला कि मम्मी मुझे ये करना है, मुझे भी करना है। मतलब हमारे में ना तीज ज़्यादा मतलब कि मान्यता देते हैं और वो बहुत पहले से चलते आ रहा है, पर करवा चौथ ना अब की लड़कियां करती हैं, तो मुझे भी मन था। तो मतलब मेरी सासू माँ कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हैं, तो फिर मैंने भी ये किया। और यहाँ पे हम कथा पढ़ रहे थे, तो आप थोड़ा सुन लो। और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, सब प्रकार से सुखी होते हुए विक्लेश से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नियमित प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि बुढ़िया भाई तो माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती हुई, मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी से बोलो कि मैं ऑलरेडी मेरा पूजा हो गया है ख़त्म, और अब ना मैं मतलब कि मतलब आई थिंक अब हम आरती करने वाले थे, बट उसके पहले ना हमें करवा फेरना होता है। तो जैसे कि अगर और भी लेडीज़ रहती हैं तो एक दूसरे के साथ हम फेर लेते हैं, बट मैं अकेले थी तो मम्मी ने मेरा हेल्प किया और बारी बारी से मैंने अपना करवा फेरा। ये ना 7 बार फेरते हैं, तो 7 बार के बाद क्या होता है ना, आपका करवा आपके पास माता पार्वती के पास चला जाता है और माता पार्वती का करवा आपके पास आ जाता है, तो उससे ही आपको अड़क वगैरह देना पड़ता है। और उसका जो मतलब उसके अंदर जो वाटर है और उसके लाइक उसके ऊपर जो दिया है उस दिया से ही अड़क देना है, और उसके अंदर जो पानी है ना उस पानी को आपको चंदा मामा को अड़क दे देना है। तो यही हम यहाँ पे काउंट करके धीरे धीरे से आराम आराम से कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर ना पानी है तो मतलब वो गिरे ना, ऊपर से सीक लगा हुआ है, तो हमने ना बहुत आराम आराम से किया और मम्मी ने मेरा इसमें हेल्प किया, क्योंकि ये अकेले पॉसिबल तो नहीं है ना, तो इस वजह से मम्मी ने इसमें मेरा हेल्प किया। पूजा मतलब कंप्लीट होते होते और यहाँ पे ना ऑलरेडी मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था इसके पहले कि अब आप भी रेडी हो जाओ, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मम्मी के पास, और मैंने मम्मी को बैठा दिया है अपने ऑपोजिट में, मतलब माता पार्वती के जस्ट बगल में, मेरे लिए वो भगवान जैसी ही है। और यहाँ पे ना खीर पूरी दिया जाता है,
तो मैंने यहाँ पे पूरी दिया। और हम इसलिए हंस रहे हैं ना क्योंकि मम्मी ऑयली उतना नहीं खाती हैं और मैं बोली आज ही आपको 5 पूरी मिल गया है तो आप खुश तो बहुत होंगी, तो इस बात पे ही हम हंस रहे थे। यहाँ पे मम्मी ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो वगैरह सब कुछ, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला। और मैंने भी मम्मी को यही बोला कि आप भी हमेशा सदा सुहागन रहो ताकि आपको भी मैं ऐसे ही साड़ी जो है जो इसका मेन रूल है वो मैं आपको देते रहूं। और इस बात पे हम दोनों हंस रहे थे क्योंकि मैंने ना उनको ऐसे बोला कि मम्मी आप हम दोनों के हस्बैंड अच्छे से रहे, तो इस बात पे ना हम दोनों हंस पड़े। यहाँ पे आप देखो मम्मी का प्यार, अब देखो ना अपने आप में मुझे ऐपे मतलब मम्मी की तरफ से गिर के मुझे मिल गया, तो इस वजह से ना हम मत रहे थे कि वाह मम्मी आपने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं छत पे आई थी, मैं मम्मी सोनम भी हस्बैंड सबको ही मिल के। तो यहाँ पे ना हम चंदा मामा का वेट कर रहे हैं, आपको तो पता है ना उस दिन चंदा मामा थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कि भाव खाते हैं, जो भी बोलो भाव खाते हो या फिर बोलो कि उनकी ज़रूरत होती है, तो उस दिन थोड़ा लेट दिखते हैं वो। तो वही हम बैठ के वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ना मम्मी बोली कि मैं बना देती हूँ, इसके बारे में मम्मी को नॉलेज है क्योंकि मम्मी ने ये वाला किया है, बस चांद को देख के हस्बैंड को देख के पानी वगैरह पिलाना ये नहीं किया, बट उन्होंने नॉर्मल चौथ का व्रत किया है तो इसलिए उन्हें यहाँ पे आइडिया है। तो उन्होंने यहाँ पे बना दिया और बना के उन्होंने बोला कि इस पे ही तुम्हें अर्घ देना है चांद को। आपको दिख रहा होगा चांद लाइक हमेशा ना वाइट दिखते हैं बट पता नहीं क्यों कल रेड रेड दिख रहे थे। तो यहाँ पे चांद पूरा निकल चुके हैं और सोनम दी वहाँ पे चेक कर रही हैं और प्रणाम कर रही हैं। यहाँ पे हस्बैंड बैठ बैठ के बोल रहे हैं कब तक आ जाएगा। आपको पता है ना हस्बैंड लोगों के पास टाइम तो बहुत कम ही होता है, बट स्टिल वो मेरे लिए बहुत करते हैं और मुझे काफ़ी टाइम देते हैं, मेरा वीडियो वगैरह शूट करते हैं। मेरा ये पूरा ब्लॉगिंग का आइडिया था और इसमें पूरा मतलब हेल्प मेरे हस्बैंड करते हैं, एडिटिंग वगैरह सब कुछ। तो मतलब इतना बिजी होने के बाद भी एक आदमी आपके लिए इतना टाइम निकाले ये बहुत लाइक बहुत मतलब होता है ना इसका। तो यहाँ पे ना वो मुझे अर्घ दिलवा रहे हैं, उसमें दूध और पानी दोनों मिक्स करके हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे चंदा मामा को अर्घ देना है और आई थिंक मेरे हाथ में ना सुपारी है, लौंग है और आई थिंक आम का पल्लो है उसे बोलते हैं, तो उससे ही हमें अर्घ देना होता है। तो 7 बार या 5 बार देते हैं, तो वही मैं दे रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा साड़ी ना पूरा गड़बड़ हो गया है क्योंकि मतलब इतना हैवी होता है और ऊपर से आपको पूजा वगैरह भी करना होता है तो इतना मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मेरा साड़ी थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है गड़बड़ हो चुका है, बट कोई नहीं चलता है, इतना तो चलता ही है ना, इतना पूजा करना होता है, इतना हैवी सा आपको अपनी शादी का चुन्नी लेना होता है। और ड्रेस की बात करूँ मैं तो यहाँ पे वही पहनते हैं फर्स्ट करवा चौथ पे जो जिस पे आपकी शादी हुई हो जिस ड्रेस पे। तो मुझे पहनना था लहंगा, पर लहंगा पे फिर तो शादी तो लहंगा पे नहीं हुआ था ना, तो हमारे में शादी के टाइम पे साड़ी पहना देते हैं येलो कलर का, तो यही पहन के मेरी शादी हुई थी तो वही मुझे पहनना पड़ा क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। इसके बाद मैं पहन सकती हूँ खुद के जो भी न्यू, पर यहाँ पे फर्स्ट करवा चौथ में हमें अपने शादी का जोड़ा ही पहनना होता है। तो वही मैंने अपना शादी का बनारसी साड़ी पहना था। ये साड़ी की बात करूँ तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, पर ये बहुत हैवी है। ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे बनारस से ख़रीदा था, मेरी मम्मी ने मतलब मेरे घर से मुझे मिला है ये साड़ी। तो ये बनारस का साड़ी है, प्योर बनारसी है, सो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पर ना मैं पूजा कर रही हूँ और टीका उका किया मैंने नीचे और उसके बाद प्रणाम किया। अब यहाँ पे मुझे हस्बैंड को देखना है जिसके लिए मतलब कि यार मतलब बहुत मुझे शौक़ था, बहुत शादी के पहले से शौक़ था कि मैं करवा चौथ करूँगी तीज करूँगी। तो मतलब करवा चौथ एक ऐसा मतलब व्रत है ना जो काफ़ी ट्रेंड में जिसको बोलते हैं आजकल ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये मतलब, तो सबको मन होता है। तो मैं दिल की बात बताऊँ तो मुझे बहुत मन था, तो ये मैंने किया। आप देख लो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को देखा, पहले चांद को देखा उसके बाद अपने हस्बैंड को देखा। और सच बताऊँ थैंक यू सो मच भोलेनाथ मुझे ऐसा हस्बैंड देने के लिए। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती है,
तो मुझे बस डर लगता है इन लोगों से, बट भगवान करे ऐसा, मतलब भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता है ना, तो बस वही है। मतलब थैंक यू सो मच मेरे भोलेनाथ जी और मेरे हस्बैंड को, ऐसे ही मेरे साथ हमेशा खुश रखिएगा और वो बहुत 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 आगे बढ़े अपने लाइफ में, उन्हें सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं वो। बस मेरे फास्टिंग का यही है और मैं मतलब जब तक रहूं, जब तक इस दुनिया में, बस मैं सदा सुहागन रहूं, बस मैं यही प्रे करती हूं और इसके लिए ही मैं इतने सारे व्रत पूजा वगैरह सब कुछ करती हूं। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका कंप्लीट और मैंने मतलब अपने हस्बैंड के हाथ से पानी पी के अपना व्रत को खोल लिया। यहाँ पे मुझे वो मिठाई खिला रहे हैं, पूरा मिठाई एक साथ ही उन्होंने दे दिया। यहाँ पे अब देख लो, मम्मी ने मुझे एक लोटा दूध दिया है, एक लोटा दूध मुझे मिला, एक लोटा, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। नाउ अभी पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं चेंज वगैरह कर चुकी हूँ, तो करवा चौथ काफ़ी अच्छा रहा, अच्छे से सब कुछ हो गया। जैसा कि हर बार की तरह मम्मी मुझे बहुत हेल्प करती हैं और तभी ये सारा चीज़ हो पाता है अच्छे से, मम्मी और सोनम दी के हेल्प की वजह से। तो उन दोनों ने हेल्प किया, सब कुछ किया, तो करवा चौथ मेरा फाइनली, मेरा फर्स्ट करवा चौथ कंप्लीटेड हुआ। मैंने फुल लुक आपको मतलब दिखा नहीं पाई, तो आप पूजा में थोड़ा मतलब बिजी हो गई, तो वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, स्पेशली मैं नहीं दिखा पाई। तो ये ना मैंने चूड़ा वेयर किया था जो कि मेरे शादी का चूड़ा है, आप देख लो कितना अच्छा सा है। और ये मतलब इसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, हमारी फ़ोटो है एंगेजमेंट वाली। तो ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी एक सिस्टर इन लॉ ने, प्रीति दी ने, तो ये यही मैंने वेयर किया था। आज सब कुछ शादी का पहनते हैं, तो मैंने साड़ी वगैरह भी वही पहना था जो कि जिस पे मेरी शादी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ में आपको अपने शादी का जोड़ा ही पहना जाता है, तो लहंगा पॉसिबल नहीं था और वैसे भी लहंगा पे शादी नहीं होता है, तो साड़ी पे ही शादी हुआ था, तो वो मैंने पहना। तो अभी मेरा करवा चौथ काफ़ी अच्छे से हो गया, सारी रिचुअल्स हो गए, मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी वगैरह पिला दिया है, तो अभी मैं जाऊंगी और कुछ फल और चाय वगैरह पीऊंगी और उसके बाद ब्लॉग को मैं यहीं पे करना चाहूंगी एंड। तो बहुत अच्छा लगा आप सब मेरे ब्लॉग में इस तरह बने रहे और आप एंड तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। टी शर्ट पहने हैं बॉयज का वो मेरे हस्बैंड का टी शर्ट है, आप देखो कितना भी कुछ पहन लो पर आपको कंफर्टेबल ये इसमें ही मिलता है और वो भी हस्बैंड का हो। तो बाय 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 बाय।